Assalamualaikum everyone and welcome to my channel. My name is Shahrukh और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है. Welcome to my channel once again. और अगर guys आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो subscribe करना मत भूलिएगा. और अगर आपने already subscribe किया हुआ तो इस वीडियो को like करें, share करें और comment करें. और अगर subscribe नहीं किया हुआ तब भी यार इस वीडियो को like करें, share करें और comment करें. So guys, वेलकम टू माई रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो. और आज मैं रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ टिप्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो टिप्स ऑफिशियल जो है उनका अकाउंट है. उसके ऊपर एक लेटेस्ट सॉन्ग अभी थोड़ी देर पहले ही आज ही लॉन्च किया गया. गाने का नाम है ओले ओले. सुनने में कुछ पुरानी सी फीलिंग आ रही है कि यार सुना हुआ तो गाना. गाइज ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही है. आप लोगों ने सुना होगा गाना, बहुत पुराना है. जब भी कल लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले. Yes guys, so गाना यही है, पुराना गाना है. और पुराना गाना पिक्चराइज हुआ था सैफ अली खान के ऊपर. और ये जो लेटेस्ट सॉन्ग आया ये भी सैफ अली खान के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ है. उनकी अपकमिंग मूवी जो है जवानी जानेमन, उस मूवी का ये गाना है ओले ओले. तो ये आज ही रिलीज हुआ है, इसके ऊपर हम देखते हैं और रिव्यू देते हैं आपको. बट इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मूवी का नाम है जवानी जानेमन. जो प्रोड्यूसर सैफ अली खान खुद एज अ प्रोड्यूसर है इस मूवी के अंदर. और जो डायरेक्टेड बाय नितिन कक्कड़. तो नितिन कक्कड़ की मूवीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं, मज़ेदार होती हैं, फनी कॉमेडी होती हैं. तो गाइज ये भी कुछ ऐसी ही मूवी है. और इसका ट्रेलर भी मैंने देखा था और उस पर मैंने रिएक्शन और रिव्यू भी दिया था. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो वो भी जाकर देखें और फिर वापस इधर आएँ और कंटिन्यू करें ये देखना. और गाइज इस मूवी की स्टार कास्ट में सैफ अली खान खुद हैं और तबू हैं और एक आलिया एफ लड़की जो है, जो जिनकी फर्स्ट मूवी आ रही है, इस मूवी के अंदर फर्स्ट डेब्यू है. इसमें वो सैफ अली खान की बेटी बनी हुई है और तबू उनकी सैफ अली खान की वाइफ बनी हुई है. तो जो आलिया एफ है वो इट्सेल्फ उनकी दोनों की बेटी हैं. और बहुत फनी और कॉमेडी अपना सैफ अली खान का रोल कुछ इस तरह का है कि बहुत एज ज़्यादा हो गई है लेकिन वो कह लें अपनी गद्दी नहीं छोड़ी हुई, जवानी अभी भी दिल से जवान है वो पूरे और फुल यो किस्म के और लाइफ इंजॉय कर रहे हैं. और एकदम से किसी दिन उनकी बेटी टपक पड़ती है. तो बहुत मसालेदार और बहुत मज़ेदार किस्म की मूवी है. तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी इस मूवी के बारे में. अगर आप लोगों ने ये मेरा रिएक्शन और रिव्यू देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाएँ उसको देखें. और गाइस अब हम बात करते हैं ओले ओले सॉन्ग की. तो अभी हम बात नहीं करेंगे, बात करने से पहले हम चलते हैं उसके ऊपर, उसके ट्रेलर की तरफ, उसके सॉन्ग की तरफ, देखते हैं सॉन्ग को सुनते हैं बगैर आपका और अपना टाइम जाया किए बगैर. सो गाइस लेट्स चेक इट आउट. ओके ऑलराइट, बहुत सारी तारे मैंने वहाँ पे लगाई हुई हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है. एनिमेंट गाइज ऑलराइट. एक्सपेक्टेड सॉन्ग बहुत ही कमाल किस्म का था. आप लोगों ने तो सुना होगा
खैर पुराने वाला भी सॉन्ग किसी से कम नहीं, ओल्ड इज गोल्ड वो गाना तो बहुत ही कमाल था। ये अमित मिश्रा ने सॉन्ग गाया और बड़ा ही बाखूबी निभाया और बहुत अच्छा गाया। और गाइस सॉन्ग को फुल टाइम एंजॉय किया मैंने भी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ये सॉन्ग बहुत कमाल के और ये देखना आप, ये मुझे लगता है ट्रेंडिंग पर जाएगा क्योंकि ये गाने के अंदर वर्थ है ट्रेंडिंग पर जाने की। और ये पार्टी सॉन्ग है और मजेदार किस्म का सॉन्ग है। और वो स्पेशली मुझे बार बार हंसी आ रही थी सैफ अली खान को देख कर के, यार कॉमेडी वाइज जो कॉमेडी करने में ये सैफ अली खान बहुत कमाल है। तो मूवी के भी कुछ सीन्स दिखाए हैं इसके अंदर तो मुझे लगता है मूवी बहुत कमाल की होने वाली है। सो गाइज डोंट फॉरगेट द डेट 31st January 2020। तो बस ये आने वाली है मूवी कुछ दिनों तक और मैं जरूर इस मूवी को देखकर भी अपना रिएक्शन और रिव्यू दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी बिकॉज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये मूवी देखने वाली है या नहीं है। गाइज इस मूवी का एक और भी गाना है नेहा कक्कड़ ने जो गाया है, वो भी ओल्ड गाना है जिसको रीमेक किया, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा या आप में से काफी लोगों को पता भी होगा शायद, वो भी अभी आना है तो जब वो रिलीज होगा मैं उस पर भी अपना रिएक्शन और रिव्यू आप लोगों को जरूर दूंगा। और गाइज मुझे पर्सनली ये सॉन्ग बहुत पसंद आया, मुझे पहले वाला भी बहुत पसंद है, ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। सो गाइज इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करना चाहता हूँ, इस मूवी से रिलेटेड नहीं है जरा हटके है। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई लास्ट वीडियो। तो मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो मैंने बनाई थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान के ऊपर। ये बेसिकली एक सीक्वल है, दोबारा एक पार्ट टू एक किस्म का कह लें आप, क्योंकि इससे पहले आई थी कि शुभ मंगल सावधान और अब आई है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। उसमें भी आयुष्मान खुराना ही है, ये इसमें भी आयुष्मान खुराना ही है लेकिन स्टोरी इज टोटली डिफरेंट। उसमें घूमी थी उनके साथ, वो भी मूवी बहुत कॉमेडी और बहुत ही कमाल किस्म की थी। इस मूवी के अंदर आयुष्मान खुराना एक गे कैरेक्टर का जो है रोल वो अदा कर रहे हैं, तो वो उसमें गे बने हुए हैं और गे की स्टोरी है कि मतलब एट द एंड तक मतलब वो फाइट कर रहे हैं गे की, मतलब एक कह लें आपके एक गे बने हुए हैं और उनको एक लड़का लड़का पसंद है, जेंडर मतलब ये जेंडर वाइज बनी हुई। मैंने इसके ऊपर भी रिएक्शन और रिव्यू दिया था, वो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी इस बारे में बात करने का मकसद सिर्फ इतना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे उसके ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए और नेगेटिव कमेंट्स ये हैं कि तुम पाकिस्तानी हो तो इस तरह के कमेंट्स करोगे, ये वो दिस एंड दैट, और उसमें ये भी लिखा हुआ कि यू आर होमोफोबिक और ये पता नहीं इस तरह की बातें। तो आप लोग वीडियो देखें गौर से, मैंने कहीं भी किसी भी टाइम पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये क्या गे वीडियोस बना रहे हो, ये क्या गे मूवी हो, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था मेरा। ठीक है इट्स 21st century, ठीक है हर बंदे का अपना अपनी उसके पास अथॉरिटी है, वो जैसे अपनी लाइफ चाहे वो जी सकता है, जस्ट डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। और हर बंदे की लाइफ है और ये उसकी चॉइस है कि वो किसी लड़के को पसंद करता है या किसी लड़की को पसंद करता है या वो किसी को पसंद नहीं करता। ठीक है सो आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने हर टाइम पर ये कहा कि आयुष्मान खुराना बहुत कमाल की कॉमेडी करते हैं लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि वो उस लेवल की कॉमेडी है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट गे, ऐसा कोई सीन नहीं है। सो मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव उस पर बात करने का, सिर्फ मैंने ये कमेंट किया है कि यार मुझे कॉमेडी वाइज ऐसा लग रहा है कि यार ऐसी नहीं है। और उसमें मैंने ये भी मेंशन किया कि लास्ट मूवी एक सोनम कपूर की भी आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसमें वो लेस्बियन का रोल अदा कर रही है। ठीक है सो आई वॉज कीप सेइंग कि वो भी मूवी मुझे बड़ा लगा था बहुत मजेदार किस्म की होगी क्योंकि ट्रेलर से अंदाजा हो गया था शी इज लेस्बियन, बट जब वो मूवी मैंने देखी पूरी द स्टोरी वॉज जस्ट ओके। आई नो ये मूवीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि भाई इस किस्म के लोग भी हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं। सो वी शुड केयर अबाउट देयर फीलिंग, वी शुड केयर अबाउट देम, हम लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए, उनका मजाक ही उड़ाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि आजकल लोग उनकी बुली करते हैं उनको और पता नहीं क्या क्या करते हैं और लोग खुदकुशी कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से, अगर वो गए हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं, उनको बनाया है ऐसा। ठीक है सो इट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, उनके पास अपने राइट्स हैं और उनके राइट्स हमें भी पता होने चाहिए और अच्छा ये मूवीज बन रही है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। मेरा कहीं पर भी नेगेटिव कमेंट नहीं था, आई डोंट नो व्हाई एक पाकिस्तानी हो तो अगर कमेंट कर दिया किसी वीडियो पर, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, मैंने सिर्फ यही बताया कि कॉमेडी के हवाले से मुझे वो मूवी उस तरह की नहीं लगी। सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई होप यू गाइज आप लोगों को मुझे मेरी समझ आई होगी कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। एंड प्लीज 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 मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं तारीफ करूँगा तो आप लोग वाह वाह करोगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आई वाज जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन कि मुझे ट्रेलर देखकर मूवी की वर्थ उस तरह की नहीं लगी क्योंकि आयुष्मान खुराना बहुत कमाल की कॉमेडी लगते हैं।
हो सकता है मूवी बहुत कमाल हो, बहुत हिट गुजरे, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, तो मैंने वो बताया। जैसे अगर मैं भी, अगर आप भी बैठा हुआ, मैंने ओले ओले सॉन्ग पे रिएक्शन दिया, तो मैंने ये सच बोला जैसा मैं फील कर रहा हूँ। तो अगर मैं ही आप लोगों के साथ, जो मैंने वो ट्रेलर देखा, मैंने जो फील किया मैंने वो बताया, अगर मैं वो नहीं बताऊंगा मैं फेक बनूंगा, तो ये आप लोगों के साथ जाती है। आई हैव सम मेरी मोस्ट ऑफ मेरी जो फैन लिस्ट है उसके अंदर इंडियंस है, तो ये गलत है अगर मैं अपना गलत ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई एम शेयरिंग व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है, इट वॉज माई ओपिनियन और मैंने कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। आई वॉज जस्ट सेइंग मूवी बहुत फनी है, बहुत कमाल है, बट कॉमेडी मुझे उस तरह की नहीं लगी। मैंने कहीं पर गे वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कहीं पर कुछ नहीं किया। आई वॉज जस्ट सेइंग, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग उसको फिर से देखो एक दफ़ा। और प्लीज़ मेरी तरफ से अगर किसी चीज़ को, किसी भी इंसान को कोई ठेस पहुंची हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। एंड गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी जिस तरह आप लोग करते हो। सो गाइज नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।